Hello dear students, I am Manish Manatre. I am a faculty of English language. So this is the next session of proposition, and in this session we will discuss some more propositions, that is opposite and in front of. They are most confusing propositions. So ज़्यादातर students में confused होते हैं. कोई भी व्यक्ति अगर इनको use करता है तो वो कन्फ्यूज होता है कि कहाँ पर हम अपोजिट का यूज़ करें और कहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप डिक्शनरी में देखते हैं दोनों का मीनिंग एक जैसा दिखाई देगा आपको, कि इनका मतलब होता है के सामने. तो किसी भी चीज़ के सामने की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं, तो बट किस सेंस में यूज़ करेंगे ये हमको समझ में नहीं आता. तो एग्जाम में इंसलेट क्वेश्चंस आते हैं, सो हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैम एंड हाउ वी विल टैकल दैम. सो वॉच द फुल वीडियो टू गेट द डिफरेंस. व्हाट इज़ द डिफरेंस? इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में. तो चलिए शुरू करते हैं. सो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इन फ्रंट ऑफ या फिर अपोजिट, तो दोनों से आप एक चीज़ समझ सकते हैं, दोनों का मतलब होता है के सामने. तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, दोनों का मतलब के सामने तो है, बट किस कंडीशन में हम इसको यूज़ करेंगे उसको समझना इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी. अब इस इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पिक्चराइजेशन करके आपको दिया हुआ है, इजीली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. हमने आप बोला ए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी. अब इस इमेज में आप देखेंगे ए एक लेडी है एंड देयर आर थ्री पीपल. अब यहाँ पे तीन लोग हैं, तो ए जो है इस ये कहाँ पर बैठे हुए हैं? बी के सामने. ये जो लेडी है बी के सामने बैठी हुई है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी. तो एक ए जो है बी के सामने बैठा हुआ है. अब यहाँ पे दोनों की फेसिंग जो है एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, दोनों की फेसिंग सेम साइड है, दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं, दोनों का फेस एक ही साइड है. तो ऐसी कंडीशन में यूज़ करूँगा इन फ्रंट ऑफ का. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ए इज सिटिंग अपोजिट सी. अब इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों की जो फेसिंग है एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के विपरीत ए और सी का फेस है. तो इस कंडीशन में यूज़ करूँगा अपोजिट. तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन आपका हो जाएगा अपोजिट. यहाँ पर आप इन फ्रंट ऑफ का यूज़ नहीं करोगे, अपोजिट वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, सी इज सिटिंग अपोजिट ए. अब यहाँ पे आप सी को भी देखिए, सी के रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे तो सी का जो फेस है वो भी ए के जस्ट अपोजिट है. तो यहाँ पर भी मैं अपोजिट का यूज़ करूँगा, ना कि इन फ्रंट ऑफ का. तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. सो देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अपोजिट. इसको डिस्कस करते हैं हम. अपोजिट एज अ प्रपोजिशन मीन्स इन अपोजिशन फेसिंग समवन और समथिंग बट ऑन अदर साइड. मतलब ये कि एक दूसरे के विपरीत अगर दो एक्शन हैं, दो सिचुएशंस हैं, या दो व्यक्ति हैं, ऐसी कोई भी दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रपोजिशन आप यूज़ करते हो वो होता है अपोजिट. लाइक इस इमेज में आप देखिए, देयर इज़ अ गर्ल एंड सी हैज़ अ गिफ्ट. अब इस गर्ल के पास एक गिफ्ट है, सो सी इज़ वेरी डिलाइटफुल. डिलाइटफुल का मतलब होता है हैप्पी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है. एंड एक दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं, देयर इज़ अ बॉय एंड ही सोरोफुल, वो बहुत ज़्यादा दुखी है. तो अब यहाँ पे सोरोफुल है, दुखी है, तो डिलाइटफुल खुशी और दुख एक दूसरे के कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं. सो वी कैन नॉट से बोथ आर इन फ्रंट ऑफ, नो, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो करेक्ट प्रपोजिशन वुड बी अपोजिट है. सो आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, फिर आगे बढ़ते हैं. अब इस एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल है सैमुअल सैट अपोजिट एमा इन द रेस्टोरेंट. तो जो देयर इज़ अ बॉय एंड देयर इज़ अ गर्ल. अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम है सैमुअल एंड ये जो गर्ल है इसका नाम है एमा. तो इस वीडियो में, इस इमेज में आप देखिएगा कि ये दोनों की फेसिंग जो है एक दूसरे के अपोजिट है. सो बोथ हैव गॉन ऑन डेट. तो इन दोनों को आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो फेसिंग है एक दूसरे के अपोजिट है. तो यहाँ पे मैं इन फ्रंट ऑफ का यूज़ नहीं करूँगा. आई कैन नॉट से सैमुअल इज़ इन फ्रंट ऑफ एमा. तो यहाँ पे जो फेसिंग इनकी है एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है. दैट्स वाई द करेक्ट प्रपोजिशन इज अपोजिट. सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ की. अब अपोजिट हमने समझ लिया, अब इन फ्रंट ऑफ को भी समझते हैं. इन फ्रंट ऑफ एज अ प्रपोजिशन मीन्स क्लोज टू द फ्रंट ऑफ समथिंग और समवन. मतलब ये अगर कोई भी चीज़ किसी दूसरी वस्तु के सामने है तो उस सेंस में. अब यहाँ पे फेसिंग विपरीत नहीं होना चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या यूज़ करोगे आप? तो देखिए, अब इस इमेज के थ्रू समझिए आप, वेयर इज़ द डॉग. अब यहाँ पे डॉग कहाँ पर है? तो ये जो एक टेम्पल टाइप के बना हुआ है, तो इसके सामने है डॉग. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डॉग इज़ नॉट इन फ्रंट, सो डॉग इज़ नॉट अपोजिट, डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल. तो डॉग कहाँ पर है? टेम्पल के सामने है. अब यहाँ पर देखिए, एप्पल, ये जो बॉक्स रखा हुआ है, एप्पल कहाँ पर है? एप्पल जो है बॉक्स के सामने है. सो वी कैन से द एप्पल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. तो जो एप्पल है वो बॉक्स के सामने है. तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन होगा इन फ्रंट होगा. यहाँ पे मैं अपोजिट का यूज़ नहीं करूँगा. अब इसमें देख सकते हैं, ये बॉक्स है, इसमें जो बॉल है बॉक्स के पीछे के साइड है, तो यहाँ पे मैं बिहाइंड यूज़ करूँगा. तो इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट और बिहाइंड, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू और बताना चाहूँगा आपको.
देखिए एग्जाम्पल और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बोला देयर वॉज अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तो मैंने कहा कि घर के सामने एक छोटा सा गार्डन था। तो अब ये बताइए कि जो गार्डन है वो घर के अपोजिट तो हो ही नहीं सकता, वाइस क्योंकि गार्डन तो बिल्कुल एक तरीके से फ्लैट होता है, अब घर के अपोजिट कैसे हो सकता है? अपोजिट जैसे ये, अब ये दो चीज़ें हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट सपोज दैट कि भाई यहाँ पर मान लीजिए कोई घर है, ये कोई घर है आपका और इसके सामने कोई गार्डन है। तो अब डायग्राम थोड़ा सा उसको मत देखिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पे कोई गार्डन है तो ये गार्डन इसके अपोजिट नहीं हो सकता बल्कि ये इसके सामने ज़रूर हो सकता है। सो आई होप कि ये चीज़ भी क्लियर होगी होगी आपको। एक और एग्जांपल लिखते हैं, द मैच वॉज प्लेड इन फ्रंट ऑफ क्राउड ऑफ 8,000। तो हमने यहाँ पे बोला कि जो मैच है वो 8,000 लोगों के सामने खेला गया। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, द मैच वॉज प्लेड इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड ऑफ 8,000 पीपल। तो 8,000 लोगों के सामने मैच खेला गया। तो ये तो आप देखते हो क्रिकेट स्टेडियम वगैरह में आप देखते हैं, तो आप हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि क्रिकेटर्स आर प्लेइंग अपोजिट टू द क्राउड, ऐसा नहीं होता है। जो हमेशा ये कहा जाता है ये इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, तो जो क्रिकेटर्स हैं या जो प्लेयर्स हैं वो क्राउड के सामने खेल रहे हैं, वो अपोजिट नहीं खेलते हैं। सो आई होप कि इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट दोनों का जो डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आपको सारे वीडियोस देखना है इससे रिलेटेड, जो प्रपोजिशंस टॉपिक है इससे रिलेटेड सारे वीडियोस अगर आपको देखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें इंग्लिश विद मनीष सर को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सारी वीडियोस से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है उसको सीखते रहें। सो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू थिंग्स के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।